फ्रांस में राष्ट्रपति इमोनुएल मैक्रों ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए नेशनल असेंबली भंग कर दिया है। वहीं CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यूरोपीय संसद के चुनाव में पार्टी की बड़ी हार होते देख फैसला किया। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक मैक्रों की रिनेसां पार्टी रविवार को हुए यूरोपीय संसदीय चुनाव में मरीन ली पेन की दक्षिण पंथी पार्टी नेशनल रैली से हार रही है। वहीं नेशनल रैली को 31.50% वोट मिले हैं। इसी के साथ ही जबकि रिनेसां पार्टी को सिर्फ 15.20% वोट मिल पाए हैं। वहीं 14.3% वोट के साथ सोशलिस्ट पार्टी तीसरे नंबर पर आ सकती है। वहीं फ्रांस में चुनाव की घोषणा कर दी गई है, वोटिंग 30 जून और 7 जुलाई को होंगे। वहीं एग्जिट पोल आने के बाद नेशनल रैली के नेता जॉर्डन बर्डेला ने मैक्रों से संसद भंग करने का आह्वान किया था।